26 जुलाई 1999 हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का दिन, क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को छक्के छुड़ाते हुए कारगिल की पहाड़ियों से घुसपैठियों को वापस खदेड़ा था। और आज कारगिल युद्ध को 20 साल पूरे हो रहे हैं, पूरा देश विजय दिवस मना रहा है, हर किसी की जुबान पर किस्से हैं तो बस भारत माँ के वीर सपूतों के, और ये शहीदों के लिए सम्मान की बात है। लेकिन सरकार कुछ शहीदों के परिवारों को भूल चुकी है। कारगिल युद्ध की यादें ही बाकी है, शहादत की तस्वीरों पर वक्त की गर्द जमने लगी है। विजय दिवस का जश्न पूरे देश में है, लेकिन सिरसा के तरकावाली गांव में एक शहीद का परिवार आज भी उपेक्षा के अंधेरे में ही जी रहा है। सिपाही कृष्ण कुमार ने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। कारगिल की पहाड़ियां शायद ही कृष्ण कुमार को भूल सके, लेकिन अफसोस कि सरकारें भूल चुकी हैं। कारगिल में शहीद हुए यार, मांग मारी पूरी को नहीं हुई। फोटो तो मैं आप लाई, सरकार ने मैं कौन दी, सड़क मांगी वह सड़क नहीं मनी। हाँ मांगे पूरी हुआ भी फोटो होनी चाहिए, सड़क हुआ बस मांगे पूरी हुआ सड़क माननी चाहिए। मारी तो मांग आई भी चार दीवारी अरे भी सड़क मांगी मारे 12 की स्कूल की, और मारा स्कूल पूरा को नहीं हुई। ये मिला था दारे फोन भी आयो भी वो काम करा दिया, और फिर मारे कौन करायो काम। सोनीपत के शहीद का कारगिल से कोई वास्ता नहीं। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से लड़ते हुए नरेश शहीद हो गए थे, लेकिन शहादत का मोल हम भूल चुके हैं। शायद इसलिए कारगिल के शहीद हो या फिर सुकमा के वीर, वीरों के परिवार आज भी कई जगहों पर मोहताज है। सर, मेरे पापा शहीद होने के बाद मैं सिलाई करती हूँ, पहले नहीं करती थी। और पहले मेरे भाई और मैं प्राइवेट में पढ़ते थे, अभी गुजारा नहीं हो रहा, मेरे भाई और हम सरकारी में पढ़ रहे हैं। नेता आए थे और हमारी कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की उन्होंने, बहुत सी मांगे की थी हमने, उन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया। 24 अप्रैल 2017 में सुकमा में छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे। उस दौरान सरकार ने वायदे किए थे, वो अभी तक कुछ भी वायदे पूरे नहीं हुए हमारे। हम जाते तो एप्लीकेशन ले लेते हैं और कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं करते जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन अफसोस कि शहादत का सम्मान सिर्फ गौरव गाथाओं, शेरो शायरी और सरकारी मुनादियों या फिर मेले सजाने तक ही सिमट कर रह गया है। सिरसा से सुरेंद्र सैनी, सोनीपत से नितिन आतुल के साथ आशिमा त्यागी की रिपोर्ट, R9 TV।